1857 का विद्रोह हुआ। अवध क्षेत्र में इसका नेतृत्व दिया गया बेगम हजरत महल को। बेगम हजरत महल युद्ध में कूद पड़ी। उसके बाद नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अभिषेक तिवारी और स्वागत है आपका बहराइच में, बहराइच के बारे में ज्ञान सीरीज में। और अभी आपने पिछला वीडियो हमारा देखा होगा, उसके आगे से हम शुरू करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट अगर कुछ भी अच्छा लगे तो आप ज़रूर डालें। इससे हमारा उत्साह बनता है, हौसला बढ़ता है और आगे भी आपके लिए हम नई नई जानकारियाँ लेते आएंगे। बहराइच के विषय में अभी पिछले वीडियो में हमने आप लोगों से बताया कि बहुत ही समृद्ध इतिहास है इसका। इसके अलावा अपने जंगल, वन, फॉरेस्ट और जैव विविधता के लिए भी बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके अलावा ऐतिहासिक स्थल हैं, हमने पहले ही बताया कि ऋषि मुनियों की ये तपोस्थली रही है, ये ब्रह्माइच रही है, बालार्क ऋषि का मुख्य स्थान रहा है जिसको इतिहास बहुत कम लोग जानते थे। सामान्यतः इसको गाजी और गौतम की भूमि कहा जाता है, यानी गौतम बुद्ध की भी तपोस्थली रही है, यहाँ भी उन्होंने उपदेश दिए हैं। गाजी मोहम्मद सैयद सलार, यहाँ बहराइच को मुस्लिम भाई लोग बहराइच शरीफ कहते हैं क्योंकि यहाँ पर दरगाह शरीफ है फेमस। पिछली वीडियो में हमने उसके बारे में थोड़ा सा आपसे चर्चा भी की थी। अब चलते हैं कि इसमें कई प्राचीनकालीन इतिहास है, मुगलकालीन इतिहास है, इसके अतिरिक्त अंग्रेज़ों के ज़माने का इतिहास है, आज़ादी की लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान है, 1857 के विद्रोह में बहराइच ने काफ़ी भूमिका निभाई। इसके अलावा यहाँ पे थारू जनजाति के लोग हैं जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या था कि ये जनजाति यहाँ पे पैदा हो गई, जो कि अपने तराई क्षेत्र में पूरी हिमालय की तराई से लेकर नेपाल में ये जनजाति पाई जाती है। इसके विषय में भी हम आगे चर्चा करेंगे। अभी हाल फिलहाल हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे सूर्यकुंड था, सूर्य मंदिर था, इसके अतिरिक्त भी हमने कुछ चर्चा करी थी आपसे। अभी हम चूँकि सीरीज में चलना चाह रहे हैं, लेकिन अब चूँकि प्रदीप जी इन्होंने रिक्वेस्ट करी कि आप कुछ ऐसा बताइए कि किसी महान व्यक्ति के बारे में बताइए जिसका नाम हर कोई नहीं जानता है। बेसिकली बहराइच का नाम लोग सुहेल देव, गाजी मोहम्मद सैयद सलार, महात्मा बुद्ध, बालार्क ऋषि, इनके लोगों के कारण जानते हैं। लेकिन आज़ादी की लड़ाई में, चूँकि बहुत लंबा विषय है, हम इसको आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताएंगे कि यहाँ पे एक रियासत होती है चहलारी और उसी के नाम पे चहलारी घाट का बहुत बड़ा पुल बना है। एक वक्त तो भारत का सबसे लंबा पुल था, पर अब तमाम पुल बन गए हैं। वो पुल भी हम ले चलेंगे जबकि हम अपनी टूर सीरीज़ पे आपको लेकर के चलेंगे यहाँ से। अब बात आती है वीरभद्र सिंह की, शहीद वीरभद्र सिंह बोले जाते हैं। तो 1857 का विद्रोह हुआ। अवध क्षेत्र में इसका नेतृत्व दिया गया बेगम हजरत महल को। बेगम हजरत महल युद्ध में कूद पड़ी। उसके बाद लोगों का समर्थन के लिए और मोर्चाबंदी के लिए उन्होंने अपनी यात्राएं चालू करी, तो वो बहराइच आई। बहराइच में चहलारी स्टेट है, रहुआ फैमिली की मानी जाती है, उसमें बड़नापुर स्टेट है, आपकी बाउंडी है, इसके अलावा बाउंडी का किला भी है, वो भी आपको प्रदीप दिखाएंगे। और यहाँ पर जो है चहलारी स्टेट थी। तो बेगम हजरत महल पहुँची, बलभद्र सिंह ने जो कि राजा थे चहलारी के, राजकुमार थे, उन्होंने उनका साथ देने का निर्णय लिया अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध का। अंग्रेज़ उनको बलभद्र कहते थे, तो बलभद्र सिंह को रोकने की अंग्रेज़ों ने बहुत कोशिश की कि आप उनका साथ ना दें बेगम हजरत महल का, इसमें आप हमारा साथ दीजिए या न्यूट्रल हो जाइए। पर बलभद्र सिंह ने कहा नहीं, अब ये राष्ट्र को जो है मुक्त कराने का मामला है और तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें है कि बलभद्र सिंह 16 साल की उम्र के थे जब उन्होंने युद्ध किया। सबसे बड़ी बात की एक 16 साल का राजकुमार जो कि 18 का भी नहीं पूरा हुआ, चहलारी स्टेट का सेनापति था। उसके बाद उन्होंने चहलारी मैदान में युद्ध हुआ और काफ़ी भयानक लड़ाई हुई, अंग्रेज़ों को बहुत क्षति हुई, बहुत क्षति हुई, कई दिनों तक युद्ध चला, उसकी भी हम डिटेल्स आपको बताएंगे। लेकिन बहराइच जो जाना जाता है बलभद्र सिंह की वजह से, उन्होंने अंग्रेज़ों के पूरे दांत खट्टे कर दिए। अंततः जो है अन्य कुछ गद्दार राजाओं का सपोर्ट मिल गया उनको और नेपाल नरेश भी जो है अंग्रेज़ों के समर्थन में आ गए। नेपाल के बारे में आप जानिए कि वो एक ऐसा देश है जो कभी गुलाम नहीं हुआ, और नेपाल का जितना भी मैदानी क्षेत्र है वो अंग्रेज़ों ने गिफ्ट दिया नेपाल के तत्कालीन राजा को। उन्होंने कहा आपने हमारी 1857 का विद्रोह दबाने में मदद की, आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा हमें भात खाने का कटोरा चाहिए, हमारे यहाँ अनाज नहीं होता है, सब पहाड़ी पहाड़ है। तो बिहार बॉर्डर से लेकर के उत्तर प्रदेश बॉर्डर तक 7 बॉर्डर हैं, वो सारे ज़िले उनको अंग्रेज़ों ने नेपाल सरकार को गिफ्ट कर दिए। इसमें जमुना हाई स्टेट और तमाम स्टेट थी, वो बहराइच ज़िले का ही हिस्सा था जो कि बहराइच के बॉर्डर से लगा हुआ। तो शहीद बलभद्र सिंह आपके यहाँ हो गए। उसके बाद आज़ादी की लड़ाई जब आधुनिक उसमें चली हुई है, जबकि 1857 के बाद में
जब गांधी जी का आंदोलन चला सत्याग्रह आंदोलन चला, तो यहाँ पे ठाकुर हुकुम सिंह, सरदार जोगिंदर सिंह, ये सब बाद में बड़े पदों पर भी रहे भारत सरकार में, इन लोगों का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में योगदान रहा। इसके अतिरिक्त बहुत सारा समर्थन मिला अंग्रेज़ों का, बहुत ही बड़ा विद्रोह जो है, मतलब अंग्रेज़ों के खिलाफ ये विद्रोह ही था जो कि सफल हुआ अंततः, और हमें 15 अगस्त जो है को आज़ादी मिली, और उसके बाद देश में नया जो है शासन लागू हुआ, उसके कुछ समय बाद संविधान भी लागू हुआ, और आज हम आधुनिक बहराइच की तस्वीर देख रहे हैं।